छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। ससुर जी, उम्र हो गई आपकी। नहीं, एक सोफा नहीं उठाया जा रहा आपसे। अबे ऐसी बात नहीं है, जवानी में बताया क्या, सोफे में बैठे होते थे लोग, फिर वो सोफा में अकेला उठा लिया करता था। हाय ससुर जी, आपको अपनी जवानी की बातें याद है? हाँ यार, हाँ याद। एक मरतबा क्या हुआ कि मैं और रशीदा सोफे में बैठे हुए थे। गुलाम, काम हो गया सारा? अभी तो काम शुरू नहीं किया हमने, कह रही खत्म कर लिए कि नहीं। क्या मतलब? अबे यार, तो तुम यार सवाल बहुत करते हो यार। अबे मैं कोई उर्दू लुगत की किताब हूँ यार, मैं या किताब लिखी है मैंने यार। हाँ। ओह क्या करें यार, वो ये लैंप को तो देख ले यार। हाँ मम्मी जी ने कहा था इसको सही करना, एक हफ्ते से नहीं चल रहा, पता नहीं इसको क्या मुसीबत हो गई है। ये तो हो गया ससुर जी, मैं तार लगाता हूँ, आप ये तारे चेक कीजिएगा ठीक है? करंट आए तो मुझे बताइएगा। जरूर। हाँ चेक करें, आया करंट? करंट आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, अब देखें। ये टेस्टर नहीं बता रहा भाई, टेस्टर में नहीं आ रहा। ससुर जी वो लाल वाली तार है ना होल्डर के अंदर, उसे जरा हिला के चेक करें। ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, होश करें। अरे उठ जाओ। अरे कैसे हो मुस्तकीम बेटे? मुस्तकीम? कौन मुस्तकीम? तुम हाजरा आपा के बेटे हो ना? हाजरा आपा? कौन सी हाजरा आपा? अरे यार तुम्हारी वालदा और कौन? मेरी वालदा हाजरा आपा। कैसी बातें कर रहे हो ससुर जी? ससुर जी? कौन ससुर? अरे आप ससुर जी, और कौन? मैं? हाँ मैं कौन? मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? लगता है ससुर जी का मेमोरी कार्ड ही करप्ट हो गया है। मम्मी जी, मम्मी जी, अरे मम्मी जी, मैं कौन हूँ यार? अरे मैं आपकी बीवी हूँ तानी बेगम। और मैं आपकी बेटी हनी। और मैं आपका घर दामाद लड्डू। क्या हो गया है गुलाम आपको, क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? आप मेरी बात तो समझे आपा। आपा? अरे आप अपने होश में तो हैं? मामा मुझे लगता है पापा की याददाश्त चली गई है। हाँ मम्मी जी ज्यादा जाने से ना अक्सर इंसान रिश्ते ही भूल जाते हैं। अरे मैं रिश्तों पे गुस्सा थोड़ी हो रही हूँ, हैं? बताओ भला, खुद इतने बुड्ढे हैं और मुझे कह रहे हैं आपा, खुदा झूठ ना बुलवाए, कम से कम 10 साल बड़े हैं मुझसे। मम्मा आप गुस्सा तो मत करें ना, पापा की याददाश्त जा चुकी है और आपको उम्र की पड़ी है। अगर इनकी याददाश्त वापस ना आई तो क्या होगा? मम्मी जी मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, अगर इनकी याददाश्त वापस नहीं आई तो मेरा क्या होगा? क्या मतलब? सारे काम मुझे अकेले करने पड़ेंगे, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े। लड्डू मैं यहाँ पे पागल हो जाऊंगी, यहाँ मामा है उनको अपनी उम्र की पड़ी हुई है और यहाँ पे तुम हो कि तुम्हें अपने काम की पड़ी हुई है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? अरे आप गुलाम है गुलाम, और अल्लाह के फजल से अभी तक ससुराल में ही पड़े हुए। ससुराल में? जी। मेरी शादी कब हुई? अरे दुलाम भाई, अरे दुलाम भाई, दुलाम भाई, प्याले किधर जा रहे हो? तो कौन हो तुम? मैं नहीं जानता भाई तुम्हें। अरे मैं प्यारे मियाँ का भाई दुलाले मियाँ। प्यारे मियाँ का भाई दुलाले मियाँ?
ना तुम प्यारे मियाँ हो ना दुलारे मियाँ हो, तुम एक घिसे पिटे मियाँ हो। तबीयत तो थी थे दुलाम भाई। कौन गुलाम? कैसा गुलाम? मैं किसी के बाप का भी गुलाम नहीं हूँ, और ये गुलामी का दौर नहीं है, खुद मुख्तारी का दौर है। मुझे ना आपते मुँह से ये बातें अत्ती नहीं लग रही। मुझे तुम्हारा ये पूरा मुँह नहीं अच्छा लग रहा। कमाल है, आजकल तो भलाई का दौर ही नहीं है। दूध में मलाई, माशरे में भलाई, वो दौर चले गए भाई, अब तू भी निकल लेना आई। मुझे लग रहा आपकी तबीयत ठीक नहीं है दुलाम भाई। वो तो आए आपका दामाद लड्डू। मिठाई की दुकान पे होगा, कहाँ होगा, मुझे क्या पता। अरे मैं बात कर रहा हूँ लड्डू की, आपके दामाद थी। मेरा दामाद लड्डू? अब ये कैसे हो सकता है भाई? अरे ऐसा ही हुआ है, पहले आप हुए, फिर आपकी बीबी हुई, फिर आपकी थादी हुई, फिर आपकी बेटी हुई, फिर उसकी थादी लड्डू से हुई, लड्डू आपका दामाद हुआ। अबे शादी में लड्डू बनते हैं, लड्डू से शादी कौन करता है? अरे दुलाम भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और आप तो मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, मैं तो जा रहा हूँ भाई। सुन ये तो बता दो मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्यों आया हूँ। अरे तेजी बातें कर रहे हो, तुम्हारी बातों में ना मैं अपना घर भूल जाऊंगा। अरे भाई मैं तो जा रहा हूँ यार, चलो यार। ठोकला भी है, ठकला भी है। अबे जवान लग रहा है, बुड्ढा सटिया गया है, याददाश्त हो बेटा जवान। अबे अब्बा तुमको ढूंढ ढूंढ के मैं सूख गया, खुदा पाक की कसम। तुम मुझे ढूंढ ढूंढ के नहीं सूखे हो, तुम खुश्क साली की वजह से सूखे हो। अब ऐसी बातें नहीं करो, मैं तुम्हारी वजह से ना 6 दिन से मैंने रोटी नहीं खाई है। रोटी नहीं खाई तो तुम फिर जिंदा कैसे हो? वो बिरयानी पुलाव और जर्दा वर्दा चल रहा है, डॉक्टर ने बोला वो दबी रख। चल 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 चल। अरे अब्बा क्या हो गया, अपने बेटे को पहचानो, क्या हो गया, कैसा जमाना आ गया, खून सफेद हो गया तुम्हारा। बे, 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 बेटा हाँ, तो अब क्या डीएनए की रिपोर्ट लाके तुम्हारे हाथ में थमा दूं? यार मेरी शादी कब हुई? अम्मा कह रही थी तेरी पैदाइश से पहले हम दोनों की हो गई थी। अच्छा नहीं किया तुमने मेरे को अपनी शादी में नहीं बुला के। अबे कैसी बातें कर रहा है मुझसे, कब इतनी बड़ी बात हो गई, वो मुझे याद भी नहीं है। कैसे याद होगा अब्बा, सुबह से निकले हो, तुम्हारे पेट में कुछ गया नहीं तो दिमाग का खाक काम करेगा। चलो तुमको बड़ी सी जगह पे जाके खाना खिलाता हूँ, तुम्हारा दिमाग फटाफट काम करेगा। आओ चलो खाना खिलाऊं तुम्हारे को बड़ी सी जगह पे। आओ चलो चलो आओ चलो। लेकिन ऐसे नहीं। हाँ फिर अबे बंदर बना दिया तुमने तो। यार तुम तो कह रहे थे बहुत बड़ी जगह पे खाना खिलाऊंगा, ये कहाँ है? इतनी बड़ी जगह तो है अब्बा, क्या मैं अब लश्कर पार्क में तंबू ठुकवा दूँ तुम्हारे लिए? इतनी बड़ी जगह है, लेट के खाओ बैठ के खाओ। अब्बा तुम भी तो गायब हो गए ना, तुम्हारी वजह से हमारा धंधा चौपट हो गया, धंधा जो है ना वहीं का वहीं रुका हुआ है। कौन सा धंधा है? भूल गए? तुमको नहीं मालूम? खबर करो अभी बताता हूँ। ओ भाई, ओ भैया, भैया 2 मिनट है तेरे कहने, हमें दे दो भाई। जी बोले। वो हमारे अब्बा है ना बहुत बीमार है, कसम खुदा की मेरे अब्बा के ना दिमाग में इतना बड़ा सुराग है, नहीं यकीन है। तो देख लो, देखो है इतना बड़ा सुराग है। खुदा के वास्ते कुछ मदद कर दो थोड़ी सी, हमें है। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कोचिंग सेंटर जाना है। अबे रुक जाओ भाई, ओ कोचिंग। अब सुन भाई। हाँ भाई, सब क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? अपना धंधा हो रहा है, यही तो अपना धंधा है अब्बा, यही धंधा है और क्या। लेकिन मुझे तो याद पड़ता है कि मैं किसी बंगले में नौकर था, मुलाजिम था। अबे क्या हो गया अब्बा, अपना कारोबार अपना बिजनेस छोड़ के तुम खामखा किसी को गुलामी करोगे क्या? अबे मुझे लग रहा है तुम्हारे हकीकत में तुम्हारे दिमाग में बड़ा सुराख हो गया कोई। ओ भाई, ओ भैया, अबे हमारे अब्बा के दिमाग में सुराख हो रहा है, देखो एक्सरे, ये देखो खुदा पाक की कसम कोई इमदाद, दूर फिटे मुँह तेरा। ओ भाईजान इमदाद करते जाओ, हमारे अब्बा के दिमाग में सुनो है। अबे वो मैयत किसने छोड़ दी है, दफाओ इधर से। अब्बा मुझे लग रहा है तुम्हारे को शुगर भी हो गया, मक्खियाँ बैठ रही हैं। हमारे अब्बा के दिमाग में ना सुराख है, देखो इतना बड़ा, कोई इमदाद है करके तो ऐसे गया जैसे सालन में नमक ज्यादा हो गया, दफा हो तेरा सत्यानाश जाए। अबे अरे लदरिया तो नहीं ताम है यार, एक मिनट भाई, बिस्मिल्लाह है। अबे ओ खोजक के बच्चे, ये क्या जिंदा पीर लग रहे तेरे को, काय को दुआ मांग रहा है? अली दुलाम भाई है? तुम
हाँ चो तुम क्या कर रहे हो यहाँ लेते हुए? मैं मीटिंग में हूँ यार। अच्छा हैं? अब्बा है हमारे यार। अब्बा सर आजा, अब्बा हमारा धंधे का टाइम है यार। धंधे का टाइम है? ये तो ने अबे बेटा हूँ उनका। हाँ हाँ क्या देख रहे हो? मेरा बेटा है ये। तेती बातें कर रहे हो दुलाम भाई। तानी बेदन तो पता है। तानी बेदन कौन? अरे भाई आप तो बेटा नहीं, आपकी बेटी है बेटी। ये बेटी लगता है तुदारा। ताज तोई मुत्तो तम जाता, मेरी तमज में तुझ नहीं आता। ओ भाई तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो दिया? सही कह रहे हो कसम खुदा की चाचा, इसके दिमाग में इतना बड़ा सुराग हो गया। देखो खुदा पाक की कसम, ये देख रहे हो ये इसके दिमाग का सुराग है। कुछ इमदाद कर दो खुदा के वास्ते। तुम्हारे जैसे आदमी होते ठट्टे में ना गलत पता बता रहे होते खुदा की कसम। अबे दिमाग में तुरात, वो भी इतना बड़ा। अबे तुरात तो दिल में होता है भाई। वाह भाई वाह, कराची में जो इतने बड़े बड़े सुराग रोडों पे हैं वो तुमको नजर नहीं आ रहे। दीवारों पे इतने बड़े बड़े सुराग हैं तुमको वो नजर नहीं आ रहे। अबे पानी के लाइनों में इतने बड़े बड़े सुराग करके लोग पानी चुराने वो नजर नहीं आ रहा। अबे गरीब के जेबों में सुराग हो गया, छन्नी में सुराग है, छतों पे सुराग है, हर जगह सुराग ही सुराग है। उसमें तुझे एतराज नहीं है? हमारे अब्बा के दिमाग में एक सुराग है, तुझे एतराज हो गया? अबे वो गोला गंडे के बच्चे। मेरी तमद में तुझ नहीं आ रहा, मैं तो धारा हूँ भाई। माफ तले क्या बात है भाई? अरे भाई मैंने आपको कहीं देखा है। और मुझे लगता है कि मैंने इनको कहीं देखा है। हाँ बड़ी मशहूर शख्सियत हैं ये, नामी ग्रामी बिल्कुल। हाँ माशाल्लाह से। वैसे आप तो दानिश नवाज के डुप्लीकेट हो ना? हैं? हाँ 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 बिल्कुल ऐसे ही है। ये बताओ कि शीशा खटखटाने की जरूरत क्यों की तुमने? ये असल में ये मेरा बेटा है। और ये हमारे अकलौते अब्बा हैं। जाहिर है तुम इनके बेटे हो तो तुम्हारे ये अब्बा ही होंगे, मामू तो होंगे नहीं। ये बताओ काम क्या है? काम मेरे अब्बा के ना दिमाग में बहुत बड़ा सुराग है। ये देखो खुदा वाकई के तो खुद ही देख लो। ये देखो इतना बड़ा सुराग, ये कैसे हो गया? बस मैं इनको खाने के लिए बिठा के गया, कुछ सोचने लगे, दिमाग खुल गया खुद ब खुद। इतना खुल गया? हाँ। बहुत ज्यादा खुल गया। मैंने तो अब सरिया भी लेना, बजरी भी लेना, सीमेंट भी लेना, कुछ पैसे दे इमदाद दे दो भाई। नहीं हो देखो हमारा भाई। देखो अब तो चिड़ियों ने अंदर बैठ के अंडे भी दे दिए। हाँ दो तो फूट भी गए। एक मिनट एक मिनट, ये देखो दिल के सुराग का एक्सरे, और ये देखो फेफड़ों के सुराग का एक्सरे। फेफड़ों के? जी जी। और भी मेरे पास। ये देखो नाक के सुराग का एक्सरे। अबे भाई नाक में तो ऑलरेडी सुराग होते हैं भाई, तो तीन सुराग है ना यार। हमसे बड़ा है ये। एक तो काम कर रहे हो वो भी गलत। अरे भाई ये काम करना है ना तो इसमें वैरायटी रखो, वैरायटी समझे ना। जैसे मेरे पास वैरायटी इतनी सारी, कभी भी कोई भी बंदा मिल सकता है। दो हमें दे दोगे? अच्छा यानी कि आए हो तो कुछ ना कुछ लेके ही जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। चलो निकल जाओ से, गेट आउट। भाई हम जो है ना वैरायटी के साथ ही फिर रहे हैं, हमारा तो मरीज है, तुम्हारे पास तो मरीज भी नहीं है। अच्छा मरीज नहीं है? इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ मैं, समझे ना। ये देखो अबे हम तो जिंदा लेके फिर रहे, तुम तो मुर्दार लेके फिर रहे हो भैया। चल बेटा अंदर जा, नजर लग जाएगी, समझे ना। चलो अब कट लो यहाँ से, कट लो। और बात सुनो, अगर मांगना ही है तो किसी और मोहल्ले में जाके मांगना, ये मेरा इलाका है समझे। बहुत बड़ा भाई तू। हाँ बहुत बड़ा। चलो 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 कट लो। वन टू थ्री यार, आजा बेटा आजा आजा मेरा बच्चे, बिजनेस का टाइम आ गया, आजा। भाई जान कोई है जो गरीब की मदद करे भाई। ये जो एक्सरे वाला काम है ना हमारा, ये धंधा हमारा चल नहीं रहा भाई, कामयाब नहीं हो रहा। कोई और काम सोचो। अब तुमको मशवरा दूँ? हाँ। किसी अच्छे से बड़े घर में घुस के ना किसी मोटी आसामी में कार्रवाई झाड़ देते हो खुदा पाक की कसम। नहीं भाई नहीं, देखो बात सुनो, हम झूठ बोल सकते हैं, भीख मांग सकते हैं, लेकिन हम चोरी और डकैती नहीं कर सकते भाई। तो तुम गलत समझ रहे हो, मैं कह रहा हूँ किसी अच्छे बड़े से घर में जाके मोटी आसामी देख के उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। हाँ ये हो सकता है। हाँ सही। हाँ
अब्बा हाँ वो घर देख रहे हो वो देखो हाँ हाँ कैसा है? अरे लग रहा है किसी बहुत नोट वाली पार्टी का घर है। अबे यार वाकई यार वाकई ये तो बहुत ही कुछ देखा देखा सा घर लग रहा है यार। आ गए आप ससुर जी? हैं कहाँ रह गए थे ससुर जी? मम्मी जी कितना गुस्सा कर रही थी। ससुर जी मम्मी हेलो कौन है भाई तू? अरे ससुर जी मैं लड्डू आपका पार्टनर। अरे क्राइम पार्टनर। अबे वाह 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 हमारा पार्टनर तो पहले से ही यहाँ मौजूद है यार। असलम आजा असलम आजा। अब्बा क्या हो गया अब्बा? हैं ये कौन है? ये मेरा बेटा है। ये कब हुआ? जाहिर सी बात है शादी के बाद ही वो होऊंगा। सुनो अब ये भी हमारा पार्टनर है समझे। और सुनो अब जल्दी से तुम हमारी मदद करो ताकि हम इन घर वालों को लूट कर यहाँ से फरार हो जाए ठीक है। ओ, क्या कह रहे ससुर जी? लगता है इनकी यादाश्त अभी तक नहीं आई। ओ देख भाई कद्दू। कद्दू नहीं लड्डू नाम है मेरा ससुर जी। हाँ वो जो जो भी लड्डू लड्डू हमने बता दिया भाई तू हमारे पार्टनर हो अब अच्छे बच्चों की तरह हमारी मदद करो और अपना हिस्सा लो और रफू चक्कर हो जाओ। नहीं अगर मान रहे हमारी बात तो हम कहीं और चले जाते। चलो अब्बा चलो चलो। है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं मैं। छोटे मियां तो छोटे मियां बड़े मियां भी है नाशार सहमे सहमे रहते हैं करते रहते हैं फरियाद। तू है बिल्ली का है खेत काश के हो जाए आजाद। घर दामाद घर दामाद के घर दामाद घर दामाद। अच्छा भाई ठीक है आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही ना तो ना सही रहिए जिंदगी भर अपने इसी बेटे के साथ भिखारी के साथ। अबे ओ खालू तमीज से बात करना जरा। हाँ खालू तो हमारे यहाँ जो है ना इतने बड़े खालू ही होते हैं कोई खाला नहीं होती। तुम तमीज से बात करो। देखिए मोहतरमा मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे जो वालिद मोहतरम है ना बहुत ही अलील है बहुत बीमार है कसम अल्लाह पाक की। इनके दिमाग में इतना बड़ा सुराग है। हम तो ये कह रहे तो थोड़ी सी मदद वदद कर देते तो थोड़ा कुछ हो जाता हम चले जाते। अच्छा तो इनके दिमाग में सुराख है। अरे जब भी तो मैं कहूँ कि इनके दिमाग में कोई बात समाती क्यों नहीं है ना समझ क्यों नहीं आती। दिमाग में सुराख और वो भी इतना बड़ा। अरे बहुत बड़ा था ये तो इलाज करा करा के छोटा करवाया मैंने। अरे बस लेने दो मैं इस बकवास में उलझना नहीं चाहती। सुने जब आपकी याददाश्त ठिकाने पर आ जाए ना तो लग जाइएगा जाकर किचन में काम पर ढेर लगा हुआ बर्तनों का ढेर। जा रही हूँ मैं। हाँ हाँ मैं भी जा रही हूँ भाई। मम्मी जी मुझे तो ये सारा खेल ससुर जी के उस नए बेटे का लग रहा है। ये क्या कह रहे हो लड्डू? हाँ मम्मी जी वो जो नकली बेटा है दो नंबर। अब हमने काम करते हैं हम इसको ना पुलिस के हवाले कर देते हैं। ऐसे कैसे पुलिस के हवाले कर दें उसको जबकि ससुर जी तो खुद उसके अब्बा बन के खुशी से फूले नहीं समा रहे। मैं तो कहती हूँ लड्डू घर की चीजों की हिफाजत करो। हाँ मम्मी जी यहाँ बिल्कुल ठीक कह रही है हम सबको मिलकर घर की हिफाजत करनी चाहिए है ना। अबे इधर देख अकल और नजर के अंधे। अबे परेशान क्यों हो रहा है जानता नहीं क्या तू मुझे? अबे मैं तुझसे बात कर रहा हूं निकम्मे घर दामाद। असलम ये तस्वीर तुझे नजर आ रही है?
अब्बा नजर आ रही है, ये देख बातें कर रही है। अबे सटिया गए अब्बा, क्या हो गया तुम्हारे को? मुझे लग रहा मशरूम में पेट्रोल मिला के पी गए, तुन हो गए, चढ़ गई तुम्हारे को। दीवारों के कान होते ये तो सुना था, तस्वीरें बातें कर रही है, पहली दफा सुन रहा हूँ मैं। अरे तू भूल गया कि मैं सिर्फ तुझसे बात कर सकता हूँ और किसी से भी नहीं। अबे हल्का सा करंट क्या लग गया तुझको? लगता है पूरा आसमान तेरे सर पे गिर गया। अबे ये तेरा बेटा बेटा नहीं है, ये चीटर है, चीटर। अबे तुझ जैसे बेवकूफ लोगों का फायदा उठाकर ये लोगों को ठगता है। क्या आखिर में तुझे ही बलि का बकरा बना के निकल जाएगा। चल अब होश में आ जा, शाबाश। हाँ कुछ कुछ याद आया, ऐसी जगह थी। हाँ ऐसे ही। अब लग रहा है कि इसकी याददाश्त वापस आ रही है। ऐसे ही लैंप। ससुर जी वो लाल वाली तार है ना होल्डर के अंदर, उसे जरा हिला के चेक करें। ये ऐसे ही था। हाँ ऐसे ही, ऐसे ही। अरे ससुर जी, ससुर जी। वे ससुर जी हैं ये मुरझाई हुई सब्जी है, ताजा कर रहे हो। अरे उठे लड्डू है, लड्डू। हाँ लड्डू। हाँ दरवाजे बंद कर दे सारे घर के। आपकी आदर्श वापस आ गई। आ गई, आ गई, मेरी चली गई। लड्डू हाँ मेरा बेटा है ना। हाँ वो घर से बाहर जाने ना पाए, दरवाजे बंद कर दो। फिक्र ही मत करो ससुर जी, इसको मैं कहीं नहीं जाने। आपको खाना पकाने की छुट्टी मिल गई पूरे 2 दिन की। अरे यार मैंने तुम्हें फोन पे सब कुछ बताया तो था। अगर हम तुम्हारा काम करेगा तो हमारा पान का खोखा तो बंद रहेगा, फिर साथ जाएंगे मिलके पिकनिक पे। या कि तुम क्या क्या बना लेते हो? अरे डबल पत्ती, सिंगल पत्ती, राजस्थानी, सौ खुशबू। बात सुनो, चाइनीज बना लो आज। अरे सारा गोड़पुर हो जाएगा। कमाल करते ससुर जी, कैसे बता देते आपको? आप मम्मी जी के साथ बैठे हुए थे तो यार बाद में बता देना चाहिए था। यार मेरी पिकनिक का क्या होगा लड्डू, पिकनिक का? अगर ये आइडिया खराब करवाना है तो हमसे करवा लो। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद।